आज ऑनलाइन पढ़े कि ऑफलाइन पढ़े, ऑनलाइन क्लासेस होनी चाहिए कि ऑफलाइन क्लासेस होने चाहिए, ये बहुत बड़ा एक डिबेट का विषय हो गया है, एक विवाद का विषय हो गया है। कई जगह ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, ऑफलाइन एग्जामिनेशन हो रहा है। कई जगह ऑफलाइन कुछ दिन तो लग रहा है लेकिन वो प्रॉपर सिस्टम में नहीं हो पा रहा है। कोर्स स्ट्रक्चर जो बने थे वो ऑफलाइन के लिए बने थे, और अगर ऑफलाइन का कोर्स स्ट्रक्चर बना है, उस कोर्स स्ट्रक्चर को आप ऑनलाइन पढ़ाएंगे तो बच्चा कैसे पढ़ेगा? तो थोड़ा सा रिवल्वेशन की जरूरत है। अकाउंट में एक चैप्टर होता है पार्टनरशिप, या मैं ये कहूं कि पार्टनरशिप में जब कभी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है या नया पार्टनर रिटायर होता है तो हम लोग एक रिवल्वेशन अकाउंट बनाते हैं। आज हमारे एजुकेशन सिस्टम को भी एक रिवल्वेशन की जरूरत है, एक रिवल्वेशन करने की जरूरत है। अब न्यू पैटर्न में या न्यू सिस्टम के हिसाब से अगर हम देखें तो एक नर्सरी का बच्चा जब लॉकडाउन चालू हुआ था, या आज से 2 साल पहले जब कोविड आया था, ये महामारी आई थी, तो नर्सरी का बच्चा जो नर्सरी का एग्जामिनेशन देने के पहले ही ये लॉकडाउन की पोजीशन होने की वजह से ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते क्लास 3 पहुंच गया, तो आप खुद समझ रहे होंगे कि उसको पावर ऑफ नॉलेज क्या होगा, वो बच्चे का स्टडी का लेवल क्या होगा। ये बेस है। बचपन में हमें बताया जाता था कि नींव अच्छी रहेगी तो बिल्डिंग मजबूत बनेगी, तो नर्सरी का बच्चा बगैर एग्जामिनेशन दिए क्लास 3 पढ़ रहा है। बीकॉम सेकेंड ईयर जो पढ़ते थे या सेकेंड ईयर में जो बच्चे थे वो ग्रेजुएट हो बगैर एग्जामिनेशन दिए, 2 साल का रिजल्ट उनको मैं घर में कुछ होमवर्क करके, कुछ घर से पेपर लिख के ला के, कुछ असाइनमेंट करके, इस तरीके से उनको ग्रेजुएट बना दिया गया। क्या ये सही है? क्या ये सिस्टम सही है? क्या यहाँ सोचने विचारने की जरूरत नहीं है कि अगर ऑनलाइन पढ़ाना है या नर्सरी के बच्चे को ऑनलाइन पढ़ाना है तो कोर्स स्ट्रक्चर ऐसा किया जाए, थोड़ा छोटा किया जाए, थोड़ा बेहतर किया जाए। कई चैप्टर हम आज भी पढ़ते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ रहा है अकाउंट में बच्चा, बिल ऑफ एक्सचेंज कहाँ यूज हो रहा है? जहां पर हम पूरी चीजें मनी ट्रांजेक्शन आज के डेट में हम लोग मोबाइल के थ्रू कर रहे हैं और एक दूसरे से ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे हैं, वहां हम बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ रहे हैं। जो पार्ट हमारे कोर्स में नहीं है, जो पुराने इतिहास से है, उसको हटाया जाए कोर्स से। यही नहीं, अगर नर्सरी के बच्चे के लिए कि क्लास 1 2 का बच्चा कितना कोर्स स्ट्रक्चर ऑनलाइन पढ़ सकता है, उस हिसाब से कोर्स स्ट्रक्चर को डिसाइड किया जाए। धीरे धीरे 2 साल हो गए, एजुकेशन सिस्टम को बेहतर किया जाए। अब ऑनलाइन पढ़ाना कोई बुराई नहीं है, क्लास 1 का बच्चा भी ऑनलाइन पढ़ सकता है, क्लास 2 का बच्चा भी पढ़ सकता है, क्योंकि आजकल कई घरों में ऐसा होता है कि माँ बच्चे को मोबाइल दे देती है कि थोड़ी देर एंगेज रहे और वो अपने काम को करती है। तो कोर्स स्ट्रक्चर को ऐसा डिसाइड किया जाए कि जो क्लास 1 के बच्चे के लायक हो या क्लास 2 के बच्चे के लायक हो, और वो 1 घंटे 2 घंटे ऑनलाइन रह के उन कोर्स स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर सके या समझ सके। आप कोर्स वो ऑफलाइन वाला रख दिए हैं, आज से 2 साल पहले वाले पैटर्न पे रख दिए हैं, और बाद में बोलते हैं कि कोर्स 10% कट कर दिया गया, 20% कट कर दिया। अपर क्लास में ये मैं सुना हूं कि क्लास 10th 12th में 20% कहीं कट हो रहा है, कहीं 30% कट हो रहा है, कहीं 40% कट हो रहा है। कितना कट हो रहा है बच्चों को खुद को नहीं मालूम रहता है, और कैसा कट हो रहा है वो भी ढंग से क्लियर नहीं किया जाता है। चलो ठीक है, वो पार्ट तो बड़े बच्चे हैं, जैसे भी मैनेज करेंगे, लेकिन क्लास 1 के बच्चे, नर्सरी के बच्चे, क्लास 2 के बच्चे, क्लास 3 के बच्चे इतने समझदार नहीं होते हैं। तो उनके कोर्स स्ट्रक्चर को इतना खूबसूरत बनाया जाए कि बच्चे ऑनलाइन में पढ़ सकें और समझ सकें। तो मेरा एक रिक्वेस्ट भी है, और ये बातें अगर एजुकेशन के सही जगह तक पहुंच जाए, एजुकेशन मिनिस्टर तक पहुंच जाए, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो प्राइमरी विंग के बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनके ऑनलाइन के हिसाब से कोर्स स्ट्रक्चर कुछ एक्सपर्ट लोग को बैठा के, कुछ टीचर को बैठा करके डिसाइड किया जाए, ताकि हमारा देश बचा रहे, हमारे देश की शिक्षा बची रहे, एजुकेशन सिस्टम बचा रहे, सब कुछ बेहतर। ऑल द बेस्ट।